थोड़ी देर पहले ना मेरे को मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और बताया यार यूट्यूब पे से मनोज देही का चैनल डिलीट होने वाला है। यार उस वक्त मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि यार जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सपना देखा था ना, उस वक्त मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जैसे कि यूट्यूब पे थंबनेल कैसे लगाए, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है और क्या क्या, मतलब कुछ भी नहीं आता था यार। ये सब सारी चीज़ें ना मैंने मनोज देही का वीडियो देख के ही सीखा है। तो बताओ यार मेरे को दिल से बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पता है दोस्तों, उस वक्त मैंने सोच लिया था कि YouTube पे मुझे बस मेहनत करना है, मनोज देही है ना वो सारा रास्ता मुझे खुद दिखा देगा, क्योंकि यार उसके वीडियो में हर एक चीज़ मिलता है जिससे कि एक नॉर्मल यूट्यूबर हर एक चीज़ सीख सकता है। यार उसका मनोज देही पे चैनल पे ना एक स्ट्राइक आया है, स्ट्राइक एक ही आया है स्ट्राइक, जिससे कि चैनल डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन यार कुछ लड़के यार कुछ बंदे हैं जो कि उनके चैनल पे फटाफट रिपोर्ट मारे जा रहे हैं यार, जिसकी वजह से उनका चैनल डिलीट भी हो सकता है। यार मैं उनसे एक ही चीज करना चाहता हूँ यार कि ऐसा मत करो, ठीक है? एक स्ट्राइक आ गया यार वो हर चैनल पे आ जाता है, गलती सबसे हो जाता है, ठीक है? तो रिपोर्ट ना मारे, वैसे तो उनका चैनल डिलीट होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा रिपोर्ट मारेंगे तो हो भी सकता है। पता नहीं क्यों वो लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पे मनोज देही का चैनल डिलीट हो जाए। लेकिन यार मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करो यार, जलो मत, ठीक है? वो बंदा बहुत ज्यादा मेहनत किया है, उसको ना सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं कि वो बंदा कितना मेहनत किया है। तो प्लीज यार ऐसा ना करो यार, रिपोर्ट मत मारो। अगर यार वीडियो अच्छी लगे हो ना तो वीडियो को एक लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं यार, क्योंकि यार आपका उससे कुछ जाने वाला तो है नहीं यार। अच्छा लगे तो वीडियो कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।